हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेंटेक चैनल्स बेसिक अकाउंट्स पार्ट टू में। हमने लास्ट टाइम बेसिक अकाउंट का पार्ट्स वन देखा है। अपने बेसिक अकाउंट्स के पार्ट वन से लेके फाइव तक टोटल पार्ट्स हैं। तो लास्ट टाइम ने हमने देखा है कि बेसिक अकाउंट पार्ट वन, उसमें हमने चेक किया कि अकाउंट्स क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या है, अकाउंट्स का मीनिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किस तरह से होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें हमने देखा है कि तीन टाइप्स थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल्स। नेक्स्ट है उसके रूल्स, रियल अकाउंट्स डेबिट डॉट कम्स इन, क्रेडिट डॉट गोज आउट, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, नॉमिनल अकाउंट्स डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने चेक किए थे लास्ट टाइम्स, जैसे कि सेल और परचेज के, उसका डेबिट क्रेडिट हमने बनाया था कॉलम वाइज। फर्स्ट डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट वन में हमने बेसिक अकाउंट में जो बेसिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, जो कि रूल्स है रियल, पर्सनल, नॉमिनल, उसके रूल्स के जैसे कि रूल्स हमने देखा उसी तरह से हमने ये ट्रांसफ़र किए थे। तो अभी और कुछ पार्ट वन में हमको ट्रांजेक्शन चेक करना है। तो नेक्स्ट है पार्ट टू, बेसिक अकाउंट। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे जो आप ट्रांजेक्शन्स डेबिट और क्रेडिट किया था लास्ट टाइम, अभी उसी तरह से कुछ ट्रांजेक्शन हमको यहाँ पे देखना है। और यहाँ पे हमको ट्रांजेक्शन्स टैली में करने के लिए कुछ फंक्शन कीज की ज़रूरत होगी, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कीज में आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट है F2, वो डेट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है F4, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंकिंग एंट्री यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रा एंट्री होते हैं वो जब हम लोग बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, या बैंक से हम लोग कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं, या तो फिर कहीं बैलेंस हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसी के लिए हमको F4 यूज़ करना होता है, जो कि हम आगे ट्रांजेक्शन्स में एक एक देखेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री दिया है F5, पेमेंट, जैसे कि हम लोग कुछ एक्सपेंसेस करना है, किसी को पेमेंट करना है, तो तब हम लोग यूज़ करेंगे F5। उसके बाद है F6, F6 रिसिप्ट के लिए यूज़ होता है, जब भी हमको कैश मिल रहा है वो बैंक से मिलना है, मतलब बाय चेक मिलेगा या कैश ही मिलेगा, तो जब जो भी पेमेंट हमको मिल रहा है F6 से हमको करना है। उसके बाद है F7, जर्नल एंट्रीज़, जो एक हम आगे ट्रांजेक्शन्स में देखेंगे, इसका थोड़ा यूज़ अलग से होता है, जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में कैश और बैंक नहीं होता है, वो सभी एंट्रीज F7 में होते हैं। उसके बाद है F8, F8 में सेल्स की एंट्री होगी और F9 में परचेज का। ठीक है, अभी ये फंक्शंस की चेक करने के लिए या जानने के लिए हमको आगे ट्रांजेक्शन देखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डेबिट क्रेडिट किया था उसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमको चेक करना है। तो नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि लास्ट टाइम हमने किया था, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल, परचेस गुड्स 2500। यहाँ पे गुड्स परचेस किया है, इसका मतलब अपने पास गुड्स आ गया है और कैश गया है, तो डेबिट में आएगा परचेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट में आएगा कैश। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल, डेबिट में परचेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट में कैश, और अमाउंट यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कॉलम में लास्ट टाइम जैसे हमने किया था उसी तरह से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे परचेस गुड्स अपने पास आ गया है और कैश चला गया है, इसके लिए ये एंट्री हमने इस तरह से की है। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे 5 अप्रैल, यहाँ पे भी सेम परचेस गुड्स है 3000 का फ्रॉम अनिल ऑन क्रेडिट। अभी यहाँ पे चेंज किया है, जिस तरह से हमने 1 अप्रैल को परचेस किया उसी तरह से यहाँ पे भी हमने गुड्स परचेस किया है। यहाँ पे परचेस गुड्स डेबिट आया था, यहाँ पे भी परचेस गुड्स डेबिट ही आएगा। यहाँ पे हमने क्रेडिट में कैश दिखाया, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट में कैश नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अनिल पास से ऑन क्रेडिट में परचेस किया, यानी उधारी से हमने परचेस किया है, तो इसके लिए कैश की जगह यहाँ पे अनिल का नेम आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 5 अप्रैल, फर्स्ट कॉलम परचेस ऑफ गुड्स डेबिट, तो डेबिट में 3000 लिखना है। उसके बाद क्रेडिट में कैश नहीं आ गया, यहाँ पे आ गया अनिल का नाम, क्योंकि यहाँ पे ऑन क्रेडिट से परचेस किया था हमने, उधारी से खरीदी किया, इसके लिए यहाँ पे अनिल का नाम आएगा और यहाँ क्रेडिट में हमने अमाउंट लिख दिया है। अमाउंट तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में आएंगे, दो इफेक्ट होते हैं डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे 9 अप्रैल, यहाँ पे दिया है सोल्ड गुड्स ₹3500। अभी गुड्स हमने सेल किया है, इसका मतलब अपने पास कैश आ गया और गुड्स चला गया है, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा सेल ऑफ गुड्स और क्रेडिट में आएगा कैश। ठीक है, डेबिट में कैश आएगा और क्रेडिट में सेल ऑफ गुड्स आएगा, क्योंकि कैश अपने को मिला है, सेल किया है हमने गुड्स, तो यहाँ पे डेबिट में कैश आएगा और क्रेडिट में सेल ऑफ गुड्स। जैसे कि परचेस गुड्स डेबिट में आ जाता है, उसी तरह से सेल ऑफ गुड्स हमेशा क्रेडिट में होगा और कैश डेबिट। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री देखिए, यहाँ पे 9 अप्रैल, डेबिट में कैश आ गया 3500 और क्रेडिट में आ गया सेल ऑफ गुड्स 3500।
क्योंकि यहाँ पे जब हम गुड्स सेल करते हैं तो कैश अपने को मिल जाता है, तो इसके लिए वो डेबिट हो गया। जैसे कि लास्ट टाइम बताया था, जो अपने पास आ गया है उसको डेबिट करना है और जो अपने पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 12 अप्रैल, सोल्ड गुड्स 5000 टू सुनील ऑन क्रेडिट। यहाँ पे भी हमने सेल किया, यहाँ पे भी सेल किया है, यहाँ पे कैश डेबिट लिया था हमने और सेल ऑफ गुड्स क्रेडिट लिया था। यहाँ पे गुड्स हमने दे दिया, इसके लिए क्रेडिट में सेल ऑफ गुड्स ही आएगा, लेकिन कैश अपने पास नहीं आया क्योंकि उधारी से सेल किया है, ऑन क्रेडिट पे एंट्री है ये, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा सुनील। तो यहाँ पे देखिए 12 अप्रैल डेबिट में आ गया सुनील, क्योंकि इसके पास से पैसे आना है हमको, अभी आए नहीं है, उधारी से सेल किया है, तो इसके लिए 5000 यहाँ पे लिखना है आपको। उसके बाद सेल ऑफ क्रेडिट गुड्स तो अपना चला गया है, सुनील को दे दिया है हमने, सेल किया है, तो यहाँ पे 5000 सेल, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट में सुनील है और क्रेडिट में सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पे कैश आता क्योंकि हमने यहाँ पे सेल करके कैश ले लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने कैश नहीं लिया है, यहाँ पे उधारी से सेल किया बोल के कैश की जगह यहाँ पे आ गया सुनील, मतलब सुनील हमको 5000 रुपये देना है तो वो आगे देगा, ठीक है। नेक्स्ट 15 अप्रैल पेड रेंट ₹1500। अब यहाँ पे 1500 रुपये का रेंट हमने पेड किया है, यानी भाड़ा हमने दिया है, तो यहाँ पे खर्चा हो गया, इसके लिए कैश अपना चला गया तो कैश क्रेडिट होगा, और किस लिए दिया है, रेंट के लिए, तो रेंट डेबिट होगा। एक्सपेंसेस है, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस यानी से रेंट हो गया डेबिट। तो यहाँ पे देखिए 15 अप्रैल डेबिट में रेंट हो गया 1500 और कैश अपना चला गया, इसके लिए क्रेडिट में कैश। ट्रांजेक्शन में ठीक से अगर देखेंगे तो कैश आया है या अपने पास से गया है, इतना भी आप चेक करेंगे तो आपको डेबिट क्रेडिट एंट्री समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे दिया है 19 अप्रैल पेड सैलरी ₹2000, तो यहाँ पे हमने सैलरी दिया है तो कैश यहाँ पे भी चला गया अपना, इसके लिए सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट। यहाँ पे जैसे रेंट हमने दिया था इसके लिए रेंट डेबिट हो गया, उसी तरह से यहाँ पे सैलरी दिया है तो सैलरी भी डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट, क्योंकि ये भी अपना खर्चा रहता है, बिजनेस का एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री देखिए 19 अप्रैल डेबिट में आ गया सैलरी 2000 और क्रेडिट में कैश 2000, यहाँ पे भी कैश चला गया, इसके लिए कैश 2000 क्रेडिट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 21 अप्रैल रिसीव कमीशन ₹5000, यहाँ पे कमीशन हमने रिसीव किया है, कमीशन रिसीव किया है 5000, मतलब हमको ₹500 कमीशन की वजह से मिले हैं, तो अपने पास आ गया 500 कैश और क्रेडिट में आएगा कमीशन। कमीशन ये नॉमिनल अकाउंट है और क्रेडिट इनकम एंड गेंस, जैसे कि नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स है, तो इसके लिए यहाँ पे कैश डेबिट आएगा क्योंकि कैश अपने पास आ गया है और कमीशन क्रेडिट। यहाँ पे दिखा रहा है 21 अप्रैल डेबिट में कैश 500 और क्रेडिट में दिखा रहा है कमीशन 500। तो ये डेबिट क्रेडिट आपको अच्छे से समझना है, जैसे कि आप ये वीडियो देखते हैं तो बाद में आपको ये खुद से ट्राई भी करना पड़ेगा, बिना देखे ट्रांजेक्शनल लिख के आप एक पेज पर ये ट्राई करने की कोशिश करना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट किस तरह से किया जा रहा है। अगर कुछ गलती होती है तो आपको वीडियो में देख के समझ में आ जाएगा, करेक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो में देखकर आपको बाद में ये ट्रांजेक्शन्स खुद से सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे 23 अप्रैल पेड ₹3000 टू अनिल। अभी अनिल को यहाँ पे 3000 पेड किया है, किस वजह से पेड किया है, यहाँ पे 5 अप्रैल में हमने उसके पास से गुड्स परचेस किया था 3000 का, तो 23 अप्रैल को हमने उसका पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे भी कैश चला गया, इसके लिए अनिल अकाउंट डेबिट आएगा और कैश क्रेडिट आएगा। तो यहाँ पे आपको 23 अप्रैल का एंट्री दिख रहा है, डेबिट में है अनिल 3000 और क्रेडिट में कैश 3000। तो ये एंट्री अच्छे से आपको करना है, जब भी पेमेंट होता है तो कैश क्रेडिट में आता है और जब भी अपने को कैश रिसीव्ड होता है तो कैश डेबिट में आता है, तो ये अच्छे से याद रखना है, जब कैश चला गया तो क्रेडिट हो गया और आ गया तो डेबिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स 25 अप्रैल रिसीव्ड ₹5000 फ्रॉम सुनील। अभी सुनील पास से हमको 5000 रुपये मिले, उसने 5000 रुपये हमको दिया है, किस वजह से दिया है, 12 अप्रैल में उसने हमने उसको सेल किया था 5000 रुपीज़ का गुड्स ऑन क्रेडिट पर, तो उसने अभी 25 अप्रैल को अपने को वो पैसे दे दिया है, तो इसके लिए कैश डेबिट आएगा और सुनील क्रेडिट। 25 अप्रैल कैश डेबिट आ गया और सुनील क्रेडिट। ये सभी ट्रांजेक्शन आप एक बार नोटबुक में लिख लेना जरूरी है, और उसके बाद ही आप ये टैली में सॉल्व करना चाहिए, जब अभी बिना देखे सॉल्व करोगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया डेबिट और क्रेडिट, अभी हमको देखना है कि ये जो डेबिट क्रेडिट के जो बेसिक ट्रांजेक्शन्स है ये आपको टैली में किस तरह से किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये एंट्रीज करना है तो आपको हमारा पार्ट 1 का वीडियो देखना जरूरी है,
जब आप पार्ट वन का वीडियो देखेंगे तब आपको अकाउंट समझ में आएगा, उसका डेबिट क्रेडिट के रूल्स समझ में आएंगे, उसके बाद ही आप पार्ट टू का वीडियो देख सकते हो और इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो आज यहाँ से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा पार्ट टू से। जो भी हमने डेबिट क्रेडिट एंट्रीज किए तो वो अभी टैली में यूज़ करना है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में फंक्शन की लिख के लिया है, उसी तरह से फंक्शन की का यूज़ हम यहाँ पे टैली में देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आज टैली की हम टैली स्टार्ट करेंगे और उसमें बेसिक अकाउंट के जो भी डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन है किस तरह से ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज बेसिक ट्रांजेक्शन टैली में, जो टैली अभी इसके लिए टैली को हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे टैली पे डबल क्लिक करना है आपको, और जैसे ही टैली स्टार्ट होता है जो भी हम पार्ट टू में जो बेसिक एंट्रीज लिखे डेबिट और क्रेडिट जो फंक्शन कीज हमने लिखा है वो सभी यहाँ पे अभी यूज़ करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे टैली स्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेम ऑफ कंपनी, फर्स्ट अपना स्टेप है। यहाँ पे जब भी कोई कंपनी ओपन होती है तो इसको क्लोज करना ज़रूरी है, उसके लिए यहाँ पे आपको इस पे शट कंपनी पे आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कंपनी क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको करना है क्रिएट कंपनी। अभी हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए, ये ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ कंपनी का नेम देंगे। सपोज यहाँ पे एक नेम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे सन लिमिटेड। ठीक है, सन लिमिटेड देना है यहाँ पे एंटर। यहाँ पे आप एड्रेस भी डाल सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे कंट्री नेम है इंडिया ऑलरेडी रहेगा ये, लेकिन यहाँ पे स्टेट लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र, जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। पिन नंबर यहाँ पे दे सकते हो, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल, सब कुछ यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू आपको एंटर करना है। कंटिन्यू एंटर करेंगे यहाँ पे, आप ईयर यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो क्योंकि ये बेसिक ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ईयर कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, 2017 रखो या 2018 या कोई कुछ भी आप एंट्री में यहाँ पे ईयर रख सकते हो। ठीक है, हम जैसे कि हमने कंपनी क्रिएट किया है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि ये नेम ऑफ कंपनी जो भी हमने दिया था सन लिमिटेड, आप कुछ भी नेम दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स देखेंगे। तो यहाँ पे कंपनी को कोई भी नेम नहीं था तो हमने एक सन लिमिटेड का नेम दिया, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने जो किया था अभी वो देखेंगे, डेबिट में यहाँ पे परचेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट में कैश। तो ठीक है, यहाँ पे अभी परचेस गुड्स किया है और कैश दे दिया है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने पेमेंट करके ले लिया है, यहाँ पे कुछ देना नहीं है, कैश दे के हमने खरीदी किया है। तो जब भी हम लोग कैश दे के खरीदी करते हैं कोई भी चीज़ तो यहाँ पे आपको एंट्री करना है F5 में। तो यहाँ पे आपको दिखाया F5, तो अब एंट्री करने के वक्त आपको F5 प्रेस करना ज़रूरी है। तो अभी हम टैली में जाएंगे और एंट्री करेंगे। तो टैली में एंट्री करने के लिए आपको फर्स्ट यहाँ पे जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद एंटर करना है आपको यहाँ पे, और फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे जैसे कि दिखा रहा है अकाउंट ऊपर आ गया है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर पेमेंट में इस तरह से आपको दिखाई देता है, कभी डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पे हमको कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे, इसका भी यूज़ है ये आगे हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको F12 करना है कीबोर्ड से। F12 की प्रेस करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे नो करना है, जो कि वो सिंगल एंट्री मोड होता है। सेकंड ऑप्शन नो करके कंटिन्यू एंटर करना है आपको, तो इससे ऊपर जो अकाउंट दिखाई दे रहा है वो चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चला गया। अगर यहाँ पर बाय ऐसे आ रहा है तो ये भी नहीं चाहिए आपको, डेबिट क्रेडिट चाहिए, तो फिर से F12 करेंगे। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यूज़ क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग द एंट्री, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो। इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अकाउंट था F12 से सेकंड ऑप्शन नो कर दिया, उसके बाद हमने फोर्थ ऑप्शन यस करने के बाद यहाँ पे DR और CR आ गया है। ठीक है, अभी फर्स्ट एंट्री देखेंगे। तो फर्स्ट एंट्री हमको करने के लिए हम लोग क्या किया था, अभी अकाउंटिंग वाउचर्स में गए थे। तो यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि यहाँ पर आपको F11 प्रेस करना है। तो यहाँ पे अच्छे से याद रखो, ये ऑप्शंस बाद में आपको यूज़ करना है। तो F11 करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आपको हमेशा यस और नो करते ही रहना है। ये जो बिल वाइज डिटेल है इसको आपको नो करना है। ठीक है, यहाँ पे नो करना है और फर्स्ट ऑप्शन को यस करना है और कंटिन्यू एंटर करना है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल नो करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम एक एक एंट्रीज देखेंगे अभी फर्स्ट एंट्री क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री आपको दिखाई दे रहा है परचेस गुड्स डेबिट कैश क्रेडिट। तो परचेस गुड्स, गुड्स खरीदी किया है, कैश चला गया, इसके लिए यहाँ पे F5 करके हमको ट्रांजेक्शन्स करना है।
तो टैली में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे F5। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग F5 प्रेस करेंगे तो अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा, क्योंकि फिलहाल हम लोग F5 में है, पेमेंट में है, इसके लिए यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी डेबिट में हमको लेना है परचेस अकाउंट, तो यहाँ पे आपको पी प्रेस करने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि अपने पास परचेस अकाउंट नहीं है। तो हम लेजर कहाँ से बनाते हैं, अकाउंट इनपो लेजर्स क्रिएट, लेकिन यहाँ पे आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से शॉर्टकट की प्रेस करके लेजर्स बना सकते हो। जब भी यहाँ पे कोई लेजर अकाउंट नहीं होगा तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है अल्ट सी से, तो कीबोर्ड से प्रेस करना है आपको अल्ट प्लस सी और यहाँ पे टाइप करना है परचेस ऑफ गुड्स। टाइप करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है परचेस अकाउंट और कंटिन्यू एंटर करना है आपको और यहाँ पे टाइप करना है अमाउंट्स। तो देखेंगे अमाउंट्स कितना था, अभी परचेस ऑफ गुड्स का अमाउंट है 2500 और क्रेडिट में कैश है 2500। तो फिर से टैली में जाके यहाँ पे टाइप करना है 2500 एंटर और कैश लेना है 2500। ठीक है, कंटिन्यू एंटर करेंगे, जब भी हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस बोल रहा है, इसको कुछ देखना नहीं, आपको इग्नोर करके एंटर करना है क्योंकि अपने पास कुछ भी कैश नहीं है, इसके लिए नेगेटिव बैलेंस बोल रहा है, लेकिन ये जस्ट प्रैक्टिस है, हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो फिलहाल आपको ये नेगेटिव बैलेंस देखना नहीं है, सिर्फ एंटर करना है क्योंकि अपने पास कैश नहीं है बोल के वो बता रहा है कि नेगेटिव बैलेंस और यहाँ पे रेड मार्क्स आ रहा है, तो ये देखना नहीं, आपको कंटिन्यू एंटर करना है क्योंकि आज हमारा जो प्रैक्टिस है वो ओनली डेबिट और क्रेडिट का प्रैक्टिस है। तो आपको यहाँ पे लेना है परचेस ऑफ गुड्स डेबिट में 2500 और क्रेडिट में कैश 2500 और कंटिन्यू एंटर करना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एंट्री देखेंगे हम। नेक्स्ट एंट्री 5 अप्रैल, सेम एंट्री है परचेस ऑफ गुड्स, यहाँ पे परचेस ऑफ गुड्स है लेकिन क्रेडिट में है अनिल। तो यहाँ पे जब भी हम कैश बिना कैश से ऑन क्रेडिट पे एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे फंक्शन की प्रेस करना है आपको F9 की आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे कैश दिया नहीं, बाद में देना है उनको, तो यहाँ पे F9 में एंट्री करना है, डेट है 5 अप्रैल। तो फिर से टैली में जाएंगे और फर्स्ट यहाँ पे डेट देंगे F2 से 5 अप्रैल और फंक्शन की प्रेस करना है डेट के बाद F9। अभी F9 करने के बाद यहाँ पे देखिए अभी पार्टी नेम्स परचेस अकाउंट ऐसे कुछ दिखा रहा है, ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+V। तो यहाँ पे Ctrl+V करके हमको डेबिट क्रेडिट में जाना है, Ctrl+V एंटर। तो यहाँ पे Ctrl+V करते आपको दिखाई दे रहा है क्रेडिट, तो यहाँ पे भी आपको देखना जरूरी है क्रेडिट आ रहा है या डेबिट आ रहा है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे डेबिट आता है तो कभी क्रेडिट आता है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से देखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री करना है, यहाँ पे क्रेडिट में हमने देखा था क्रेडिट में है अनिल और परचेस गुड्स 3000। ठीक है, तो अपने पास अनिल नाम का लेजर्स नहीं है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स बता रहा है ओनली कैश है, तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा फर्स्ट क्रेडिट में, क्रेडिट में अनिल रहने की वजह से यहाँ पे क्रिएट करना है और उसके लिए अल्ट सी प्रेस करना है आपको लेजर्स क्रिएट करने के लिए और यहाँ पे टाइप करना है अनिल। अनिल का ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, हम जिसके पास से परचेज करते हैं उसका अंडर ग्रुप लेना है आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि वो सप्लायर है, तो यहाँ पे उसका सिलेक्ट करना है सन्ड्री क्रेडिटर्स और कंटिन्यू एंटर करना है आपको। उसके बाद इसका अमाउंट देखेंगे कितना है, 3000। ठीक है, 3000 अमाउंट है, 3000 का गुड्स परचेस किया है ऑन क्रेडिट से, यहाँ पे टाइप करना है आपको 3000 एंटर और डेबिट में परचेस ऑफ गुड्स। अभी यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स में परचेस ऑफ गुड्स दिखा रहा है क्योंकि हमने फर्स्ट ही एंट्री में परचेस ऑफ गुड्स लेजर बना दिया था, जब भी लेजर्स बना देते तो यहाँ पे दिखाई देते, अगर कोई लेजर यहाँ पे नहीं होगा तभी हमको यहाँ पे अल्ट सी करके लेजर्स क्रिएट करना है। तो फिलहाल यहाँ पे परचेस ऑफ गुड्स है तो इसको एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री कंटिन्यू एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह से हमको सभी एंट्रीज करने हैं। नेक्स्ट एंट्री 9 अप्रैल, डेबिट में कैश क्रेडिट में सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, अभी यहाँ पे कैश आ गया है, इसके लिए यहाँ पे फंक्शन की आपको यूज़ करना है F6 रिसिप्ट। F6 फंक्शन की प्रेस करने पे रिसिप्ट आएगा, जब भी कैश आता है तो F6 करना है और जब कैश चला जाएगा तो F5 करना है। ठीक है, अभी ये 9 अप्रैल का एंट्री देखना है, कैश डेबिट है, सेल ऑफ गुड्स क्रेडिट 3500 और डेट है 9 अप्रैल। तो यहाँ पे फर्स्ट डेट देना है F2 प्रेस करके 9 अप्रैल, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है F6 और क्रेडिट में यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे प्रेस करना है आपको सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको क्रिएट करने के लिए प्रेस करना है अल्ट सी और टाइप करना है सेल ऑफ गुड्स। ओके, सेल ऑफ गुड्स टाइप करने के बाद यहाँ पे एंटर करना है, इसका ग्रुप लेना है आपको सेल्स अकाउंट, जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो उसका ग्रुप हमेशा यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा और परचेस होगा तो परचेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे एंटर करना है आपको, कंटिन्यू एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट देना है 3500
और डेबिट में लेना है यहाँ पे कैश ऑलरेडी अपने पास है तो यहाँ पे लेना है आपको कैश। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। यहाँ पे बताएं 9 अप्रैल कैश डेबिट है और गुड्स सेल ऑफ गुड्स क्रेडिट 3500, वो एंट्री हमने यहाँ पे टैली में की है। कैश डेबिट है, सेल ऑफ गुड्स क्रेडिट 3500, और ये फंक्शन की हमने प्रेस किया था F6, इसकी वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको रिसीप्ट। कंटिन्यू एंटर। नेक्स्ट स्टेप 12 अप्रैल, यहाँ पे भी हमने गुड्स सेल किया है लेकिन यहाँ पे ऑन क्रेडिट पे सेल किया, इसके लिए डेबिट में आएगा। कैश के जगह जिसको हमने सेल किया उसका नेम आएगा, यहाँ पे हमने सुनील को सेल किया था तो यहाँ पे सुनील डेबिट आ रहा है, और सेल ऑफ गुड्स उसको गुड्स सेल कर दिया इसके लिए आप क्रेडिट में सेल्स आ रहा है, सेल ऑफ गुड्स। तो ये एंट्री करना है आपको F8 में, क्योंकि यहाँ पे ऑन क्रेडिट है। यहाँ पे कैश लेके हमने सेल किया था इसके लिए F6 हो गया था, यहाँ पे कैश नहीं मिला है हमको, बाद में मिलने वाला है, अभी फिलहाल तो ऑन क्रेडिट है, इसके लिए आपको यहाँ पे लेना है F8। तो 12 अप्रैल का एंट्री F8, यहाँ पे डेट देना है फर्स्ट, F2 प्रेस करना है और यहाँ पे देना है 12 अप्रैल, उसके बाद प्रेस करना है F8। जैसे F8 के हमने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेल्स, और यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपको प्रेस करना है Ctrl+V एंटर। Ctrl+V करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेबिट, तो डेबिट में यहाँ पे Alt+C करना है क्योंकि हमने सुनील को सेल किया था, यहाँ पे सुनील का लेजर्स नहीं है तो इसके लिए यहाँ पे प्रेस करना है आपको Alt+C और टाइप करना है सुनील, एंटर। सुनील को हमने सेल किया इसके लिए वो कस्टमर है, और कस्टमर को लेना है यहाँ पे सन्डरी डेटर्स, ठीक है। अगर सप्लायर होगा तो सन्डरी क्रेडिटर्स, अगर कस्टमर होगा तो सन्डरी डेटर्स। अभी सेल किया है इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सन्डरी डेटर्स और कंटिन्यू आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे अमाउंट है 5000, एंटर। और क्रेडिट में सेल ऑफ गुड्स जो कि ऑलरेडी हमने बनाया है तो यहाँ पे सिर्फ एंटर करना है आपको सेल ऑफ गुड्स और कंटिन्यू एंटर करना है। तो ये हो गया सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे 15 अप्रैल, डेबिट में रेंट है और क्रेडिट में कैश है। ये डेबिट क्रेडिट किस तरह से किया है सभी ट्रांजेक्शन हमने लास्ट टाइम देखा है, तो अभी हम डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं टैली में। तो यहाँ पे देखिए अभी 15 अप्रैल को रेंट डेबिट में दिखाई दे रहा है क्योंकि रेंट हमने दिया है, तो कैश क्रेडिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी कैश क्रेडिट था, जहाँ पे भी कैश क्रेडिट होगा वहाँ पे फंक्शन किया जाएगा F5। अभी यहाँ पे अगर ट्रांजेक्शन देखेंगे तो फर्स्ट एंट्री में कैश क्रेडिट था, यहाँ पे भी F5 आ गया, यहाँ पे कैश क्रेडिट है तो यहाँ पे भी F5 आ गया। तो यहाँ पे रेंट पे किया है 1500 15 अप्रैल, ठीक है। अभी टैली में जाएंगे, पहले F2 प्रेस करना है आपको, यहाँ पे डेट देना है 15 अप्रैल और फंक्शन की प्रेस करना है F5। डेबिट में हमको लेना है रेंट, यहाँ पे रेंट दिखाई दे रहा है नहीं है तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट करना है Alt+C और यहाँ पे टाइप करना है रेंट। रेंट टाइप करने के बाद एंटर करना है। ये एक्सपेंसेस है बिजनेस के, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेके आपको कंटिन्यू एंटर करना है। और हमने रेंट कितना दिया था यहाँ पे दिखा रहा है 1500, तो ये रेंट आपको यहाँ पे टाइप करना है 1500 और कैश चला गया इसके लिए यहाँ पे क्रेडिट में लेना है आपको कैश ऑलरेडी जो है अपने पास। कंटिन्यू एंटर करना है, ये निगेटिव बोल रहा है फिर से लेकिन एंटर करना है क्योंकि जस्ट प्रैक्टिस करना है हमको डेबिट क्रेडिट, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट देखना नहीं आपको, कंटिन्यू एंटर करना है। ये हो गया एंट्री। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे 19 अप्रैल, सैलरी पेड किया है इसके लिए सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट है। यहाँ पे भी कैश हमने पेमेंट किया है इसके लिए यहाँ पे भी F5 होगा। जब भी कैश क्रेडिट आएगा तो यहाँ पे F5 प्रेस करना है, जब भी हम पेमेंट करते तो वो F5 में आएगा। 2000 यहाँ पे दिखाया है 2000 रुपीज़, ठीक है। फिर से टैली में जाके हम लोग करेंगे एंट्री 19 अप्रैल, पहले F2 प्रेस करना है आपको, यहाँ पे देना है 19 और उसके बाद पेमेंट में है ऑलरेडी। यहाँ पे F5 करने के बाद भी कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पेमेंट में है, लेकिन यहाँ पे सैलरी का लेजर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है Alt+C प्रेस करके, यहाँ पे प्रेस टाइप करना है आपको सैलरी और इसका भी ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कंटिन्यू आपको एंटर करना है। तो इसका अमाउंट कितना था यहाँ पे 2000, तो ये 2000 अमाउंट आपको यहाँ पे टाइप करना है। फिर से टैली में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 2000, कंटिन्यू एंटर करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको कैश। फिर से नेगेटिव बैलेंस दिखाएगा, कंटिन्यू एंटर करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सिर्फ ये प्रैक्टिस करने के लिए हमको यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया गया है, तो ये सिर्फ डेबिट क्रेडिट का आपको जस्ट प्रैक्टिस है और फंक्शन की किस तरह से टैली में यूज़ करना है इसके लिए आप ये अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है।
तो आप ये प्रैक्टिस करने के पहले ट्रांजेक्शन अच्छे से नोट डाउन करके लिए और उसके बाद ही आप ये टैली में प्रैक्टिस करें, ठीक है। कंटिन्यू एंटर करना है आपको, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एंट्री। तो यहाँ पे दिखा रहे 21 अप्रैल कैश डेबिट है और कमीशन क्रेडिट। अभी कैश डेबिट आ गया, जब भी कैश डेबिट आता है तो यहाँ पे लेना है आपको F6, क्योंकि कैश हमने रिसीव्ड किया है। जब भी कैश रिसीव्ड होता है तो आपको फंक्शन की यूज़ करना है F6, ठीक है। 500 रुपये हमने रिसीव्ड किया है 21 अप्रैल, टैली में जाएंगे, फर्स्ट डेट देंगे हम 21 अप्रैल, F2 प्रेस करके। उसके बाद यहाँ पे प्रेस करना है आपको F6, और क्रेडिट में कमीशन है जो कि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, अल्ट सी करना है आपको और टाइप करना है कमीशन। यहाँ पे कमीशन टाइप करने के बाद इसका ग्रुप लेना है, अभी कमीशन हमको मिला है इसके लिए इसका ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट इनकम, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद यहाँ पे देना है 500, एंटर, और डेबिट में था कैश तो कैश सिलेक्ट करके आपको एंटर करना है 500, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, कमीशन का हो गया। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 23 अप्रैल, अनिल डेबिट है और कैश क्रेडिट है, यहाँ पे भी पेमेंट कर चुके हम, तो यहाँ पे भी F5 लेना है आपको। जब भी पेमेंट आएगा क्रेडिट में कैश आएगा तो आपको पेमेंट का करना है F5, ठीक है। अभी यहाँ पे डेट है 23 अप्रैल, तो यहाँ पे डेट देना है आपको 23 अप्रैल, और फंक्शन की प्रेस करना है F5, और डेबिट में लेना है अनिल। अनिल को हमने 3000 देना था तो वो दे दिया। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे 3000 टाइप करके एंटर करेंगे तो उसका जो भी यहाँ पे पेमेंट बैलेंस दिखा रहा है वो 0 हो जाएगा, देखिए अभी ये 0 हो गया। उसके बाद एंटर और क्रेडिट में कैश, ठीक है। कंटिन्यू आपको एंटर करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स 25 अप्रैल, यहाँ पे कैश रिसीव्ड है इसके लिए यहाँ पे F6 दिखा रहा है। जब भी कैश डेबिट आता है तो F6 लेना है आपको। सुनील ने हमको पैसे दे दिए 5000, तो फिर से टैली में जाएंगे और डेट देंगे यहाँ पे F2 प्रेस करके 25 अप्रैल, F6 प्रेस करना है। F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पे रिसिप्ट आएगा आपको, क्रेडिट में लेना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको सुनील। सुनील देना था 5000, उसने वो 5000 दे दिए, यहाँ पे टाइप करना है 5000, और डेबिट में आपको सिलेक्ट करना है कैश, ठीक है। तो ये हो गए ट्रांजेक्शन्स। अभी देखिए इस तरह से हमने पूरे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए टैली में। जब भी आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं टैली में एंट्रीज करते हैं तो आपको स्टेप याद रखना जरूरी है। फर्स्ट डेट देना है, डेट के बाद फंक्शन की प्रेस करना है तभी एंट्री करना है। इसके लिए यहाँ पे भी स्टेप इसी तरह से लिखा है, फर्स्ट डेट है, डेट के बाद नीचे फंक्शन की प्रेस करना है, उसके बाद एंट्री, डेट फंक्शन की एंट्री। तो ये स्टेप आपको याद रखना है, डेट देने के बाद फंक्शन की प्रेस करना जरूरी है, उसी के बाद ही एंट्री करना है, वरना एंट्री आपकी रॉन्ग हो जाएगा और करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अपना Part.2 का यहाँ बेसिक लेसन ख़त्म हो जाता है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे एंट्रीज करना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने ट्रांजेक्शन्स किए, पहले फर्स्ट हमने कंपनी क्रिएट किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांजेक्शन्स देखिए डेबिट क्रेडिट के अकाउंटिंग वाउचर से, अकाउंटिंग वाउचर्स में एंटर करके हमने यहाँ से ट्रांजेक्शन्स किए। तो इस तरह से आपको ट्रांजेक्शन्स करना है। अगर इसका ट्रायल बैलेंस देखना है तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में जाके एंटर करना है और ट्रायल बैलेंस पे एंटर करना है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है 9000, तो आपका भी ये 9000 दिखना चाहिए। अगर आपका 9000 नहीं दिखाई दे रहा है तो आपका कुछ तो भी ट्रांजेक्शन या ग्रुप्स रॉन्ग हो गया है। तो आपको एंट्री करते वक्त अच्छे से एंट्री करना है और ये आंसर भी चेक करना है, ठीक है। इस तरह से Part.2 आपका यहाँ पे बेसिक अकाउंट का ख़त्म हो जाता है। आपको अगर ये Part.2 देखना है तो आपको वो बेसिक अकाउंट Part.1 भी देखना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपको सभी वीडियोस दिखाई देनी चाहिए, आगे भी जो एडवांस एंट्रीज है GST के या बहुत कुछ एडवांस एंट्रीज आपके आपके लिए जो आने वाले हैं वो अगर आप देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना जरूरी है। नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करना है, और उसके बाजू में जो घंटी का आइकन है उस पर आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि आपको हमेशा मैसेज मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो भी हम लोग वीडियो यहाँ पे ऐड किया है वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।